तो भाई हर हर महादेव सभी को, मैं हूँ आपके दोस्त विशाल गोलिया, सीधा केदारनाथ से आपसे बात कर रहा हूँ। और आज है तारीख 11 मई 2024 और इस समय दोस्तों माहौल फिर से बारिश वाला हो चुका है। तो भाई लोग जो भी आ रहे हो तो भाई प्लीज गर्म कपड़े और सब कुछ लेके आना, फुल तैयारी के साथ आना। भैया कितने बजे से लाइन में लगे हो आप? अभी एक घंटा, एक घंटा हुआ। घंटा क्या, 40 मिनट? 40 मिनट, बड़ी जल्दी नंबर आ गया आपका ना। तो देखो दोस्तों, कल बहुत ज्यादा भीड़ थी, आज भीड़ कम है और ऐसे ही धीरे धीरे भीड़ बढ़ेगी भी घटेगी भी। तो जैसे जैसे आप आओ, आराम से आओ, दर्शन भी आराम से कर सकते हो आप। और दर्शन करने के लिए लेकिन आपको लाइन में ही लगना पड़ेगा, बीच में से आओगे तो काम खराब हो जाएगा आपका। हर हर महादेव। कहाँ से आए हो आप? अहमदाबाद। ओ काफी ज्यादा दूर से आए हो, पैदल चल के आए या फिर हेलीकॉप्टर से आए? अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा पैदल। कोई परेशानी हुई बेटा आपको? बढ़िया, बस्ती में आए आप। ओह गुड गर्ल। एक बार हर हर महादेव बोलो जोर से, हर हर महादेव। तो भाई जैसा कि मैं अभी बताया था आपको कि हड़ताल खुल चुकी है, तो अभी बेफिक्र हो के आप आ सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रुकने की व्यवस्था कम है, तो कुछ 15-20 दिन में रुक रुक के आइए आप लोग। और जो लोग आ रहे हैं, जिनका प्लानिंग हो चुकी है, टिकट्स बुक हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, तो भाई आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मंदिर ये रहा, और पूरा ये मंदिर प्रांगण है और ये सारी दुकानें अभी ओपन्ड हैं, तो हड़ताल की अभी ऐसी कोई संभावना मेरे को नज़र नहीं आ रही यहाँ पे। यहाँ पे मुझे निशांत भाई मिले हैं, जो कि हमारे सनातन धर्म की जो प्रथा है धोती कुर्ता और धोती, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको बात करेंगे। तो भैया हमारा, आप जानते हैं सनातन धर्म में जो हमारा प्राचीन काल की जो सभ्यता होती थी, हाँ, प्राचीन काल की संस्कृति होती थी, प्राचीन काल की जो पोशाक होती थी, मंदिरों में घर में पहनी जाती थी, ठीक है। आज वो कल्चर हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि हम अंग्रेज बनना चाहते हैं, हाँ। क्योंकि हमारे किसी भी भेद प्रमाण, किसी भी, आप किसी को भी उठा लीजिए, उसमें सिर्फ यही कहा गया है आप शुद्ध और स्वस्थ वस्त्र पहनिए। अब शुद्ध का मतलब ये नहीं होता, तो शुद्ध का मतलब होता है ढीले ढाले जो वस्त्र होते हैं, धोती कुर्ता और सलवार साड़ी इत्यादि जो वस्त्र हैं उन्हें ही पहनकर पूजा पाठ बैठे। जैसे कि आपके घर में कोई पूजा हो रही है तो आप उसमें धोती कुर्ता ही पहनकर बैठेगी, लड़की होगी तो सलवार ही पहन के बैठेगी, महिला होगी तो साड़ी पहनकर ही बैठेगी। पर जब मंदिर के अंदर आते हैं तो आप वो यहाँ देख सकते हैं माहौल क्या है। हाँ वही मैं उसी के बारे में बात करना चाहूँगा। यहाँ पे मैं अभी कुछ लोगों देखा हूँ, बिल्कुल पूरा वेस्टर्न लुक में आए हुए हैं, पूरा उल्टे सीधे कपड़े में आए हुए हैं, तो उसी के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा आपसे, तो क्या कहना चाहूंगा? मैं यही चाहता हूँ कि हम लोग अगर मिलकर जाएं तो इस चीज को बदल सकते हैं। जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप कोशिश कीजिए चार लोगों को बताने की। हर व्यक्ति अगर इसको एक एक करके करेगा तो हर व्यक्ति तक बात पहुंचेगी, जब बात हर व्यक्ति तक पहुंचेगी तो भाई हम लोगों में जागरूकता जरूर फैलेगी। कहने से भाई हर व्यक्ति बदलता है। तो अभी भाई इन भाई ने बताया, निशांत भाई ने, कि आपको अपने सनातन धर्म में जो वेद पुराणों में जो लिखा गया है उसी के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए। जैसे अगर रेगुलर लाइफ में थोड़ा बहुत अभी जैसे वेस्टर्न क्लोथ पहन रहे हैं, लेकिन यहाँ मंदिर में दर्शन करने कुछ लोग आए, कुछ लड़के लड़कियाँ, वो बिल्कुल टोटली अजीब और गरीब कपड़े पहन के आए हैं, उल्टे सीधे कपड़े, तो भाई उनको तो एंट्री होनी नहीं चाहिए यहाँ पे। तो भाई केदारनाथ में तो आप लोग आ ही रहे हो, मैंने आपको अभी इतना सारा सब कुछ डिटेल्स दे दिया है, और बारिश भी हो रही है लगातार यहाँ पे। जैसे ही दोपहर के दिन के 3 बजते हैं यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तेज नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी सी, पहाड़ों का क्या नियम है, क्या रूल है, अगर हल्की सी भी बारिश है और आप हल्के से भी भीग गए तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाएगी। और लेकिन आप जब भी आओ, रेनकोट एक्स्ट्रा डाल लाना भाई, वो 100 रुपये 120 रुपये वाला जो आता है वो एक्स्ट्रा डाल के लाना, और अपने बच्चों के साथ आओ तो उनके लिए भी वही रेनकोट एक्स्ट्रा लेके आना, और बाकी गर्म कपड़े तो भाई बहुत ज़्यादा लेके आना, जैकेट वैकेट अच्छे से लेके आना, क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत पड़ती है, तेज़ हवा चल रही है।